हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में सीखने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला, जिसके लिए हमको चाहिए पनीर 400 ग्राम, काजू 10 से 12, प्याज 3 मीडियम साइज के, टमाटर 5। अब टमाटर बहुत सस्ता हो गया है तो हम टमाटर दिल खोल के डाल सकते हैं। आपके शहर में टमाटर किस रेट का है हमको नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मसालों में हमें चाहिए नमक, सूखा धनिया, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, एक कश्मीरी लाल मिर्च साबत, एक हरी मिर्च, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, थोड़ा सा कसूरी मेथी और हमारा हीरो इंग्रेडिएंट्स बटर और दही हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। चलिए सब्जियों को कट कर लेते हैं। हमने अपनी सब्जियों को कट कर लिया है। सब्जियों को हम मोटा मोटा ही कट करेंगे क्योंकि इसको हमने बाद में पीसना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर रखा है, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। हम दही लेंगे और सारे मसालों को, नमक को छोड़ के हम मसालों को इसमें मिलाएंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इसमें डालेंगे प्याज को। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा बस टॉस करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और लौंग। इसको 2 मिनट पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। इसमें हम डालेंगे दही। और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे काजू। इसको मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी। और इसको मीडियम गैस कर कर 5 मिनट ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारे टमाटर पक चुके हैं। अभी तक हमने इसमें नमक को ऐड नहीं किया है। हम इसमें नमक डालेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक लिया है। आप नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसको कंप्लीटली ठंडा हो जाए फिर इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। हमारी ग्रेवी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर पीसेंगे। इसका हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बटर। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम अपना पेस्ट जो हमने बनाकर रेडी किया है। अब ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी घर की मलाई। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक सिम गैस पर पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। इसको सिम गैस पर 5 मिनट तक पकने देंगे। इसको चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पनीर भी बनकर रेडी है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इसको सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मलाई, इसे और भी सुंदर लगेगा। हमारा पनीर बटर मसाला एकदम रेडी है। अपने यहाँ पर राखी पर आने वाले त्योहार राखी पर आने वाले मेहमानों को जरूर ट्राई कराइए। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।